बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले अगले साल 26 जनवरी से पहले रामलला विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान कर दिया जाएगा रामलला को। मोदी की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश भर में 7 दिन तक उत्सव मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के बाद समारोह हो सकता है। 15 दिसंबर तक गर्भगृह का काम पूरा हो जाएगा। अगले साल 26 जनवरी से पहले रामलला विराजमान हो जाएंगे भव्य मंदिर में। राम मंदिर का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। गर्भगृह का जो काम है वो भी कई फीसद तक पूरा हो चुका है और पूरा कंप्लीट 15 दिसंबर तक हो जाएगा। जो पहला चरण है यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर का काम है वो पूरा हो जाएगा और अगले साल मकर संक्रांति से पूरे उत्सव की शुरुआत हो सकती है। दरअसल ये पूरी कोशिश है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कि पूरा देश राममय हो जाए जब रामलला विराजमान हो अयोध्या में। चूंकि इस घड़ी का इंतजार राम भक्त सालों से कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे, इसलिए उनको एक बहुत ही विनम्रता का निवेदन पत्र भेजा जाए, क्योंकि तिथि तय नहीं है तो ये लिखा जाए कि दिसंबर और 26 जनवरी के पहले या जनवरी, उसमें जो भी अनुकूलता होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अयोध्या पधारने की कृपा करें, बस इतना ही एक निवेदन पत्र भेज दिया जाए। आज ये मत बना है, गोविंद देव गिरी जी पत्र का प्रारूप बनाएंगे और नृत्य गोपाल दास जी के हस्ताक्षर से वो निवेदन पत्र आगे दिया जाएगा। ये आज का एक महत्व